लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम कभी दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं जुड़ा, मुख्तार अंसारी का नाम कभी आतंकवादियों के साथ नहीं जुड़ा। और जिनको जो आज जो आदमी जो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके पल रहा है, उसका नाम जे हत्याकांड में दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था। गरीब उनके दरवाजे पर चला जाता था, अंसारी परिवार उस गरीब परिवार के लिए खड़ा होता था, यही इनकी गलती। अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है, यह जमाना उसे अपराधी घोषित कर दिया। वो तो वोट देने का अधिकार, गरीबों को लोकतंत्र में जीने का अधिकार, गरीबों को सर उठा करके चलने का अधिकार अगर कोई दिलवाया उस इलाके में तो अंसारी परिवार। मेरा नाम कुबेर नाथ तिवारी, मैं यहाँ के स्थानीय उजियार का रहने वाला हूँ। इस इलाके से मैं दो बार जिला पंचायत सदस्य, अपने गांव का दो बार प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश सचिव भी रहा हूं। ये मेरा आपका अफजाल अंसारी से भी बहुत लगाव रहा है जी? देखिए, हम लोग अफजाल अंसारी से लगाव तो हमारा वर्षों पुराना है। जब कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीति माननीय अफजाल अंसारी जी करते थे 1985 में, जब पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक हुए थे, और मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोडक्ट रहा हूँ तब से और लेकर के आज तक उनका राजनीतिक संबंध माननीय अफजाल अंसारी से है। मुख्तार अंसारी माफिया डान है तो कुछ लोग मसीहा भी उन्हें कह देते हैं, आप क्या, क्योंकि आप तो नज़दीक से देखे हैं? देखिए, यह राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राज्य की जिम्मेदारी होती है कि चोर और साहब दोनों की जान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। अब भी इस लोकतंत्र में तीन संस्थाएं हैं, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, और विधायिका की जिम्मेदारी होती है कि हमारे ऊपर कोई हम अपराध किए हैं, कोई गलत काम किए हैं, तो FIR करे, मुकदमा करे, जेल में डाल दे, सज़ा हमें न्यायपालिका देगी, न्यायपालिका जो सज़ा देगी वो मंजूर है, मुझे फांसी पर चढ़ा देगी मंजूर है। और यह सारे सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं हैं कि जो आदमी जेल में बंद है तो उसके लिए खाना का, कपड़ा का, इलाज का, दवा का, सारी सुविधाएं शासन के तरफ से देने की यह व्यवस्थाएं की गई हैं। और कहीं ना कहीं उनके मृत्यु में, जैसे कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जहर दी गई है, और शासन सत्ता का कहना है कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। अलग अलग कड़ियों को जब आप जोड़ेंगे तो 19 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब होती है, और 26 मार्च को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, 5 दिन तक अस्पताल में उसे तड़पने के लिए की हालत में छोड़ दिया गया। 5 दिन में बताइए, जो आदमी 19 तारीख को जिनकी तबीयत ख़राब हो और 5 दिन कोई इलाज न मिले, उस आदमी की क्या स्थिति होगी, क्या हालत होगी? 26 तारीख को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, फिर दूसरे तीसरे दिन उन्हें फिट घोषित करके अस्पताल में भेज दिया गया, अरे जेल भेज दिया गया, अस्पताल से दूसरे तीसरे दिन जेल भेज दिया गया, और फिर अगले दिन हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इलाज में घोर लापरवाही हुई है जेल प्रशासन से लेकर के, और अस्पताल प्रशासन से लेकर और शासन सत्ता सबकी कहीं ना कहीं मिली भगत है कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया, माकूल इलाज नहीं कराया गया इलाज के अभाव में। अगर इलाज हुआ होता, उन्हें मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ता ICU में रखा गया होता, इलाज कराया गया होता, तो हो सकता है कि उनकी जांच बच जाती। वैसे तो इस दुनिया में जो आए हैं सबको जाना ही है, होने को कोई टाल नहीं सकता है, मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी सत्ता की है, सरकार की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्तार अंसारी माफिया डान या मसीहा? अब देखिए, मुख्तार अंसारी अपराधी हैं, कोई कह सकता है, कोई माफिया कह सकता है, किसी के लिए निजी दुश्मनी उनकी हो सकती है, कोई वो दुश्मन किसी के हो सकते हैं, कोई दूसरा उनके लिए दुश्मन हो सकता है, लेकिन अफजाल अंसारी का परिवार एक देशभक्त परिवार रहा है, एक राष्ट्रभक्त परिवार रहा है। उनके नाना, उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके वो आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, वह अनेकों बार जेल गए, एक मशहूर डॉक्टर थे, पूरी अपनी कमाई आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने समर्पित कर दिया, अपनी कोठी दान कर दिया जहां से आज़ादी के आंदोलन का संचालन हुआ करता था, और उनके
उनके कई चाचा, एक चाचा उनके जवाहरलाल नेहरू का रूम पार्टनर थे जिन्हें बाद में जवाहरलाल ने गाजीपुर से चुनाव लड़ाया, एक चाचा उनके जब पहली हिंदुस्तान में राज्यसभा बनी थी तब उस राज्यसभा के मेंबर हुए थे इनके चाचा, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, और उनके परिवार में आधा दर्जन लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और डॉक्टर हामिद अंसारी को कौन नहीं जानता है, उनके परिवार के सदस्य हैं उनके चाचा लगेंगे, जो हिंदुस्तान के कई देशों, दुनिया के कई देशों में हिंदुस्तान के राजदूत रहते हुए वो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन नहीं जानता है। वह सम्मानित परिवार है, वह एक देशभक्त और राष्ट्रपति परिवार है, राष्ट्रभक्त परिवार है। उनके नाना ब्रिगेडियर स्वान अंसारी, देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में अगस्त में देश आज़ाद हुआ और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और पहली सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए अगर भेजी गई तो वह डॉक्टर ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी के नेतृत्व में वह सेना भेजी गई जो इनके नाना थे, और वहाँ शेर घाटी और झांगर घाटी पर ज़बरदस्त पाकिस्तान के सैनिकों से वो लड़ाई लिए, मोर्चा लिए, और झांगर घाटी को तो आज़ाद करा दिए, शेर घाटी के आज़ाद कराते कराते वहाँ वह शहीद हो गए, अपने हिंदुस्तान के वतन के लिए कुर्बानी दिए, वहाँ उनकी स्मारक बना हुआ है और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। यह कोई बनावटी बात नहीं है, यह सब रिकॉर्डेड बात है, वह परिवार है। और मुख्तार अंसारी को कोई माफिया कहे, लेकिन वह गरीबों के दिलों में उनके लिए प्यार है, मोहब्बत है। मुख्तार अंसारी का नाम आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मुख्तार अंसारी को कोई अपराधी कह सकता है, कोई माफिया कह सकता है, लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम कभी दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं जुड़ा, मुख्तार अंसारी का नाम कभी आतंकवादियों के साथ नहीं जुड़ा। और जिनको जो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके पल रहा है, उसका नाम जे हत्याकांड में दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था, कौन नहीं जानता है। मुख्तार अंसारी कभी देशद्रोही नहीं है, कभी वो आतंकवादियों से उनका नाम यही जुड़ा, कभी देशद्रोही वाला काम नहीं किए, वो राष्ट्रभक्त परिवार रहा है। उनकी गलती क्या है, उनकी गलती यह है कि यह गाजीपुर से लेकर के बलिया तक है पूरा इलाका, यह इलाका सामंतवादी व्यवस्था का इलाका रहा है, और यहाँ गरीबों को ठीक ढंग से चलने के लिए, बोलने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, इज्जत से जीने का अधिकार नहीं था इस इलाके में। जो गरीबों के खिलाफ कोई जुल्म जाति होती थी, कोई गरीब उनके दरवाजे पर चला जाता था, अंसारी परिवार उस गरीब परिवार के लिए खड़ा होता था, यही इनकी गलती थी। यह तो इतिहास गवाह है, जो भी जुल्म के खिलाफ, जो भी नाइंसाफी के खिलाफ, जो भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है, यह जमाना उसे अपराधी घोषित कर दिया है, यह तो इतिहास गवाह है, वही हुआ इनके साथ, यही गलतियाँ इनकी है और कोई गलती इनकी नहीं। वह तो माफिया के लिए माफिया थे और गरीबों के लिए मसीहा थे, कोई तो बात है। ये कहा जा रहा है तो जो कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ उसमें जो है इनका हाथ था, कई लोग उसमें मारे गए। अब देखिए, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मुख्तार अंसारी पर अनेकों बार जानलेवा हमला हुआ, बनारस में हमला हुआ, लखनऊ में हमला हुआ, उसरी कांड को कौन नहीं जानता है। भाग्य भोरों से मुख्तार अंसारी बच गए, जिसमें ब्रजेश सिंह एंड कंपनी जिसमें मुलजिम है, जिसमें मुख्तार की गवाही होनी थी, कौन नहीं जानता है। कई बार लगातार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो मरता क्या नहीं करता, बार बार कोई किसी के उंगली करेगा किसी को, तो आदमी क्या करेगा। वह मुख्तार अंसारी तो जेल में थे, आपके मीडिया के माध्यम से बातें आती है कि 65 मुकदमा उनके ऊपर है, आप जरा यह एक रिपोर्ट निकलवा लीजिए RTI के माध्यम से कि कितने मुकदमे उनके जेल जाने के बाद हुए हैं। ये सारे मुकदमे उनके जेल जाने के बाद ही किए गए हैं, अधिकांशतः मुकदमा वो जब जेल में है तब वो फर्जी किया गया है कि मुख्तार अंसारी ने साजिश करके ये किया, तो मुख्तार अंसारी साजिश करके वो किया, और इस तरह के मुकदमे उनके ऊपर किए गए हैं। मुख्तार अंसारी कभी किसी इलाके, बता दीजिए, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, बलिया, किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी हो, परिवार किया हो, किसी गरीब के ऊपर कोई जुल्म किया हो आदमी, एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। आज यही वजह है कि आज उनके जनाजे में जो लाखों का जनसैलाब उमड़ा है, आज यही वजह है कि लाखों दिलों पर वह राज करता था आदमी। कुछ तो बात है कि 5 बार मोहम्मदाबाद से अफजाल अंसारी MLA रहे, 2 बार गाजीपुर से सांसद रहे,
उनके मोहम्मदाबाद छोड़ने के बाद उनके बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी दो बार विधायक रहे और मोहम्मदाबाद मऊ से यही मुख्तार अंसारी जेल से पर्चा भर देने का काम करते थे और एक बार दो बार नहीं चार चार बार वहाँ से विधायक रहे और उनके छोड़ने के बाद उनकी दूसरी सेकेंड पीढ़ी मऊ और मोहम्मदाबाद में अब्बास अंसारी। ये भी कहा जाता रहा है कि ये भी कहा जाता रहा है कि जो है उस समय जब ये लोग लड़ते थे तो लूटपाट होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, इस तरीके से बातें होती। देखिए ये सब सारी चीज़ें बकवास की चीज़ें हैं। उसी चुनाव में अफजाल अंसारी पर कुंडेश्वर में हमला हो गया था, उनके दो तीन कार्यकर्ता मारे गए थे और यह इलाका यह सामंती इलाका है। पहले जब उसमें बैलेट पेपर से वोट डाला जाता था तो ये तो छपाखाना चलता था, सामंती व्यवस्था के लोग गरीबों को वोट नहीं डालने देते थे। जहाँ जाते थे कह देते, गरीब अगर वोट डालने जाता था कह देते जाओ तुम्हारा वोट हो गया। ये तो गरीबों का वोट लूटा जाता था, अब गरीबों का वोट कौन लूटता था यह पूरा इलाका जानता है, सारे लोग जानते हैं। यह तो गरीबों को वोट देने का अधिकार, गरीबों को लोकतंत्र में जीने का अधिकार, गरीबों को सर उठा करके चलने का अधिकार अगर कोई दिलवाया है उस इलाके में तो अंसारी परिवार ने दिलवाया है। वह जोगा हत्याकांड को कौन नहीं जानता है, वहाँ गरीब हरिजन गिरिजन BSP का मीटिंग कर रहे थे और वहाँ लोगों ने कहा कि ये चमारों की यह हैसियत है कि जो यहाँ मीटिंग करेंगे हमारे खिलाफ, और वहाँ मार करके वहाँ दर्जनों लाश गढ़ा में जो है डुबा दिया गया। वह कौन नहीं जानता है, वहाँ जा करके उनके लाश को निकलवाने और उनकी हिफाजत करने का काम कोई किया है तो वही अंसारी परिवार किया। एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जो गरीबों के इंसाफ के लिए, गरीबों के न्याय के लिए वह परिवार खड़ा रहा है। वह इसलिए वह लोगों के नज़रों में बुरा है, इसलिए वह सामंती व्यवस्था के लोगों के लिए वह माफिया है और गरीबों के लिए वह मसीहा। एक वीडियो वायरल हुआ जिस दिन उनके जनाजे में जो DM साहिबा हैं अपनी आरेखा खौरी जी, वो डायरेक्ट जो है अफजाल अंसारी से भिड़ जाती हैं और अफजाल अंसारी बड़े कड़े आवाज़ में बोलते हैं कि जो कोई भी मिट्टी देने आएगा वो आएगा, और जबकि वो कहती हैं DM साहिबा की धारा 144 लागू और इसमें इतनी भीड़ नहीं हो सकती। अब देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यह सवाल अच्छा आपने उठाया है, वहाँ तो जो बात हुई हाट टाक हुई और माननीय सांसद जी ने वो बात सही कहा कि जनाजे में किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर DM साहिबा कहती हैं कि 144 लगा है और सिर्फ परिवार के लोग ही मिट्टी देंगे तो सारी सिस्टम सारी व्यवस्थाएं तो उनके हाथ में थी, SP भी थे, सैकड़ों की तादाद में फोर्स भी थी, आप क्यों नहीं उस कब्रिस्तान के चारों तरफ बैरिकेडिंग करके भीड़ को आपने क्यों नहीं रोका, सारे भीड़ को आपने इजाज़त दे दिया कि अब जाओ जनाजा में नमाज पढ़ो और फिर कब्रिस्तान में जाओ, सारे भीड़ को आपने इजाज़त दे दिया, ढील दे दिया, छूट दे दिया, सारी भीड़ चली गई कब्रिस्तान के पास। अब कब्रिस्तान के गेट पर जब भीड़ चली गई तब आप रोकने का प्रयास कर रही हैं, यह सारा सिस्टम आपके हाथ में था, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ में थी, आप कब्रिस्तान के चारों तरफ सारे सड़कों में नाकाबंदी करके भीड़ को क्यों नहीं रोक दिया, आपने ऐसी व्यवस्था किया नहीं, आप छोड़ दिए, ढील छोड़ दी और जब कब्रिस्तान के गेट पर जब भीड़ चली गई तो आप कहते हैं कि मिट्टी नहीं देंगे आप। लोग जितने लोग आज वहाँ गए थे वह केवल मोहम्मदाबाद कस्बे के लोग नहीं थे, केवल मुसलमान नहीं थे, केवल जनाजे के नमाज में जितने लोग थे वह मुसलमान थे और सड़क पर जितने लोग खड़े थे वह सब हिंदू लोग थे। जितने लोग नमाज में खड़े थे उससे ज़्यादा कहीं सड़क पर लोग थे और सब लोग अपने अजीज नेता के, अपने अजीज मसीहा के लिए मिट्टी देना चाहते थे। आप तब कैसे रोकेंगी, वह आपका निर्णय वहाँ गलत था। DM साहिबा का पहले ही रोकने का व्यवस्था कर देना चाहिए, पहले व्यवस्था न करके आइन मौके पर अगर कोई बात करेंगी तो कुछ भी कोई हादसा हो सकता था, इसकी जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा, वो अफजाल अंसारी कैसे इसके जिम्मेदार होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता है जो समाजवादी पार्टी के हैं और बहुत जुड़ाव रहा है अंसारी परिवार से और ये सारी बातें बताए, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।